हो रहा है। मनरेगा, 40% से ज्यादा ग्राम पंचायतों में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। मतलब मैं कौन हूं, मैं ठेकेदार हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। मैं कौन हूं, ठेकेदार हूं, मैं क्या करूंगा, और मेरे पास मनरेगा का ठेका है। मनरेगा क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम या एक्ट, उसमें क्या है, हर घर के एक सीनियर मेंबर को मैं 150 दिन के लिए, 1 साल के, 1 साल के लिए अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करूंगा। अनस्किल्ड मतलब रोड़ी कूटना, बजरी उठाना, डिग अप इट फिल अप इट, खड्डा खोदो शाम को खड्डा भर दो। तो मैं ये काम तुम्हारे सबको दूंगा, और अगर तुम मेरे पास काम मांगने आए, मैं तुम्हें काम नहीं दे पा रहा, तुम्हारा सैलरी मांगने का हक है। फिर भी चाहे तुम्हें वेला बिठाऊं, चाहे तुम्हें काम दूं, मुझे तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी। उसके लिए डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आदि, क्योंकि तुम कौन हो? आदिवासी। यू डोंट हैव द नॉलेज कि मनरेगा क्या है। तुम्हें मैं 150 की जगह कितने दूंगा? 100। 50 में भी तुम्हें मना लूंगा, और दूंगा कब? महीने बाद, 2 महीने बाद, या नहीं भी दूंगा। डीबीटी जो इन्होंने करा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और जैम ट्रिनिटी जो मोदी जी ने चलाई है, जनधन, आधार और मोबाइल। जैम मीन्स जनधन, जनधन अकाउंट खुलवाए तुम्हारे, आधार से लिंक करे और उसके साथ मोबाइल तुम्हारा जोड़ दिया। अब तुम्हारा, तुमने क्या करा, वो जो थंबप्रिंट वाली मशीन है, स्कैनर्स हैं, तुमने अंगूठा लगाया, साथ की साथ ही तुम्हारा खाता चला गया और उसको पता लग गया कि इस खाते में तुम्हारी सैलरी जाएगी। मिडल मैन इज एलिमिनेटेड। लेकिन यहां पर अगर डिजिटाइजेशन नहीं हो रहा तो मिडल मैन बीच में बैठा है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मनरेगा पर 3 बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, 10-10 नंबर का, 20-20 नंबर का। क्या मनरेगा में प्रॉब्लम्स बताओ? ये प्रॉब्लम है मनरेगा जो ये आर्टिकल है तुम्हारा, कि 40% ग्राम पंचायत अभी भी डिजिटाइज्ड नहीं है। ये तो मैंने पहले ही बताया था रूरल डिजिटल डिवाइड में, कि भैया जहां बिजली नहीं है वहां इंटरनेट से डिजिटाइजेशन की क्या उम्मीद करते हो? क्या उम्मीद करते हो कि स्मार्टफोन होंगे बच्चों के पास वहां पर? एजुकेशन तुम स्मार्टफोन पर प्रोवाइड कर रहे हो अभी, जूम पर। सरकारी स्कूल होता मान लो ये, कोई भी ना होता यहाँ पर। Somebody is saying also, हमारे पास खाने को तो पैसा नहीं है और सरकार चाहती है फोन भी नहीं। यस, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। यही तो रूरल डिजिटल डिवाइड है, प्लीज अंडरस्टैंड। यही तो हमारे भारत और इंडिया में फर्क है। भारत क्या है? गरीब, पिछड़ा हुआ, बिना बिजली के, बिना पानी के, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, नहाने का तो छोड़ो, पीने का साफ पानी नहीं है उनके पास। नदी में से, जोड़े में से, तालाब में से भरकर लाना पड़ रहा है उनको, प्लीज अंडरस्टैंड। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो आपने इंडिया देखा है वो तो बहुत सुनहरा है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें, कमियां आप वाले में भी होंगी। सो ये है, लो यूजेज ऑफ मोबाइल ऐप, लो यूजेज ऑफ NMMS शोज देर इज स्लो डाउन इन मनरेगा वर्क, टेक्नोलॉजी एज एन एक्सक्यूज टू पुट टू एंड द स्कीम। अब ओके कर दो, 2 घंटे हो गए, ओके कर दो, पता ही नहीं चला है ना, मुझे तो पता नहीं चला। एक बार चेक करना कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं, वहां जाकर कर लेना। ये लो लगा दो, ठीक है, जस्ट चेक इट देयर। अगर आवाज नहीं आ रही तो ठीक करके जाना। सो मनरेगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, वाई इज इट इंपॉर्टेंट, वाई इज मनरेगा इंपॉर्टेंट फॉर यू? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था मैं बता देता हूँ। देखो, मनरेगा पर हर साल हम क्या करा करते थे, हम 70,000 या 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर बजट में एलोकेट किया करते थे। लेकिन अब जो बजट एलोकेशन मनरेगा का देखोगे, सो इट इज 30-40,000 ओनली, 30-40,000 करोड़ है। लेकिन क्या गरीबी इतनी कम हो गई है कि लोगों को मनरेगा की जरूरत ही नहीं है? नो, गरीबी इतनी कम नहीं हुई है। ठीक है, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है। और यार, वेजेस कम करने का क्या मतलब, इन्फ्लेशन भी तो कितनी बढ़ गई है। तुम ये थोड़ी है कि 150 के हिसाब से ही पैसे देते रहोगे। टुडे यू हैव टू पे हिम 250 फॉर हिम टू सस्टेन। चाहे बंदे कम भी हो रहे हैं गरीबी रेखा के,
लेकिन पर पर्सन पर कैपिटा सैलरी की जरूरत तो ज्यादा पड़ रही है ना, बिकॉज सी द इन्फ्लेशन प्राइसेस इन योर कंट्री। जीएसटी भी लग गया, और जीएसटी किस पर लगा है? आम चीजों पर लगा है, एक ब्रेड, यस एवरी एवरी गुड, एंड द बर्डन ऑफ जीएसटी इज ओनली ऑन द कंज्यूमर, कंज्यूमर पर है। मतलब एक ब्रेड पर जितना अंबानी टैक्स दे रहा है उतना ही एक रिक्शा वाला टैक्स दे रहा है। एक 10 रुपया, अब तो 10 रुपए का ब्रेड नहीं आता, 40 का आता है, 40 का आता है वो जो बॉन वॉन जो भी चलते हैं यहाँ। तो ये क्या है, ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है। आटा कितना, 40 जो शक्ति भोग या आशीर्वाद है, आई थिंक 800 रुपीज का वो आता है, मल्टी ग्रेन वगैरह। जो सिलेंडर देख लो, यस वो आप देख लो, है ना, 200 के 1000-1200 हो गए। हाँ, 300-200, 300-400 में आया करता था। सीमेंट देख लो, 100 रुपए का बैग हुआ करता था, 300 के आसपास पहुंच गया है। एवरीथिंग इज कॉस्टली, सो व्हाई नॉट हिज वेज। एंड तुम बजट में एलोकेशन क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, इट शुड हैव बीन 1,00,000 करोड़ अभी तक, या फिर इनको स्किल करो। सो मनरेगा में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो देखो, डिजिटाइजेशन इज अ प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है, डिजिटाइजेशन। दूसरा, मिडलमैन, अब भी अवेयरनेस कम है। तीसरा, मनरेगा को मैंने डिफाइन कैसे करा था, मनरेगा इज डिग अप इट फिल अप इट। सुबह तुमने खड्डा खुदवा लिया क्योंकि कुछ काम करवाना है, शाम को छुट्टी होने वाली है, भर दे यार अब काम हो गया। सो द क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्रिएटेड इज पुअर। क्या मतलब है इसका, तुमने कुछ प्रोडक्टिव नहीं कराया अपने देश में। मनरेगा मतलब अगर देश का 20 करोड़ इंसान या 10 करोड़ इंसान तुम अगर एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, वो कुछ करे तो सही, 10 करोड़ लोग कुछ तो करें। यस, एंड यू आर वेस्टिंग द मनी ऑल्सो ना, मनी भी, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और लोग भी। सो ये चीज को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। देन टाइमली वेजेस नहीं है, फंड्स की कमी रहती है हमेशा, वेजेस नहीं आती। बजट में एलोकेट करना इज वन थिंग, जेब में पहुंचना इज अनदर थिंग। जेब में नहीं पहुंच रहा है, चाहे करप्शन है, चाहे डिलेज है, चाहे शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, कुछ भी है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आपको आपके उसमें आंसर में लिखनी है, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे। समझ में आ रहा है सबको, वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या पांचवी, व्हाट अबाउट दी एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक इंसान जो रोड़ी कूट रहा था, क्या उसमें कुछ विकसित हुआ, क्या उसकी स्किल्स इनहेंस हुई, क्या वो कंप्यूटर चलाना सीखा, क्या उसमें कोई स्किलिंग आई? नो, ही हैज बीन अंडर स्किल्ड। वो रोड़ी कूट रहा था, कसी चला रहा था, वो बेचारा आज भी वही कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। वो 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। What skills have you imparted by virtue of giving him unskilled work? No, skilling has to be an important component. उसको विकसित भी होना है, develop भी होना है. See what I am doing now. I am skilling you in reading newspaper by telling you what type of news you have to read. Sir, I think that is one of the major problems. That is unskilled labor. And एक और चीज भी आप यहाँ लिख सकते हो, India has जॉबलेस ग्रोथ, ये तो सब मानते हैं, ये तो है, प्लस ग्रोथलेस जॉब्स, ग्रोथलेस जॉब्स, एंड मनरेगा इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ अ ग्रोथलेस जॉब, कि तुम्हारे जॉब में ग्रोथ नहीं है। सर, एंड आल्सो आई थिंक वी आर फोकसिंग मोर ऑन द जॉब्स रादर देन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, या देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। जॉब मतलब कहीं भी काम लग जाना, एम्प्लॉय होना मतलब तुम अपने स्किल सेट के हिसाब से, जो तुम्हारा एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से तुम काम करो। एप्टीट्यूड इज योर एबिलिटी टू डू समथिंग। व्हाई आई एम आई टेस्टिंग यू बिफोर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, आई एम चेकिंग वेदर और नॉट यू हैव दैट एप्टीट्यूड ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। एप्टीट्यूड इज योर स्किल सेट, योर एबिलिटी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इज योर एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। That is why I check you on the basis of your aptitude.
एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड गिव्स यू ऑल्टीट्यूड। एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है, नियत भी होनी चाहिए, काबिलियत भी होनी चाहिए, तब तुम्हें शिखर पर जगह मिलेगी, ऑल्टीट्यूड मिलेगा। देयर इज अ पर्सन विनोद कामली, सुना है किसी ने विनोद कामली? ही वॉज अ क्रिकेटर। ओके, लेट मी टॉक अबाउट सम अदर टैलेंटेड क्रिकेटर। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो टैलेंटेड है लेकिन टीम में नहीं है अपने अकड़ूपन के हिसाब से? कोई है क्या ऐसा? बहुत ही अकड़ हो जिसमें, कोई एक बंदा है, चलो कोई भी। सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही हो, सचिन तेंदुलकर इज हाईली स्किल्ड, यू ऑल नो। हाईली स्किल्ड मीन्स ही हैज व्हाट? ही हैज एप्टीट्यूड। देन एटीट्यूड की बात करें, आपने सचिन को गुस्सा होते देखा है? बहुत कम। सचिन को गाली देते हुए देखा है? बहुत कम। सचिन को किसी दूसरे ओपोनेंट को रिस्पेक्ट ना करते हुए देखा है? बहुत कम। सचिन किसी स्कैम में फंसा है, स्कैंडल में फंसा है? बहुत कम। सचिन का एटीट्यूड गेम की तरफ क्या है? बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। एप्टीट्यूड मीन्स सचिन ने कितनी सेंचुरीज मारी है, एप्टीट्यूड भी अच्छा है। एक और बंदा था विनोद कामली, ये सचिन है। सचिन और कामली बचपन के दोस्त थे, ये सच कहानी बता रहा हूं। कामली वॉज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ही वॉज वेरी फ्लैम्बॉयंट। शेन वॉन को सबसे अच्छा उसने खेला आज तक ऑस्ट्रेलिया को, बहुत अच्छा बैट्समैन था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। तो विनोद कामली में हर चीज थी, लेकिन एप्टीट्यूड सचिन से, अगर एक टिक मार रहा हूं विनोद कामली में, तीन गुना एप्टीट्यूड था। एक तो लेफ्ट हैंडेड था, लेफ्ट हैंडेड आर ऑलवेज फ्लैम्बॉयंट, दे आर ऑलवेज स्टाइलिश बैट्समैन। व्हाई? बिकॉज बोलर्स जो प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा राइट हैंडेड को करते हैं, लेफ्ट हैंडेड की एक अपनी क्लास होती है। ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, दे आर ऑल क्लासी प्लेयर्स इन द लुक। तो या सो लेफ्ट हैंडेड। लेकिन कोच ने सुबह कहा कि 6 बजे सारे आ जाना, ये 12 बजे पहुंच रहा है। कोच ने कहा कि भाई 10 राउंड मारो, बोला है मुझे तुमने रेस थोड़ी दौड़ानी है। सो ही हैड अ पुअर एटीट्यूड टूवर्ड्स द गेम एंड टूवर्ड्स हिज ओपोनेंट्स। कोच की रिस्पेक्ट नहीं करनी, टीम प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी, टीम मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करनी। इसको 96 वर्ल्ड कप के बाद इसको निकाल दिया गया, सिंपल। ही हैड बेटर केपेबिलिटी देन सचिन तेंदुलकर, बट वी रिमेंबर सचिन एंड ही प्लेड बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, ही वॉज देयर इन द टीम। एटीट्यूड अच्छा होना आपका बहुत जरूरी है, दैट इज वाई दिस गाय गेट्स ऑल्टीट्यूड एंड ही रिमेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म। कुछ भी नहीं, विनोद कामली इज, यू डोंट इवन नो हु इज ही, ही वॉज अ बेटर प्लेयर देन सचिन। जो 90s के किड्स हैं जिन्होंने शुरू शुरू में क्रिकेट देखनी स्टार्ट किया था मेरे जैसे, उन लोगों को पता है विनोद कामली क्या हस्ती है। वो सब चीज आपके एटीट्यूड में क्या, हर चीज आ जाती है। वी नीड टू हैव अ बैलेंस। अगर यस, अगर सिर्फ सिर्फ एप्टीट्यूड ही होता सचिन में, ये ना होता तो भी दिक्कत थी, या सिर्फ सिर्फ एटीट्यूड अच्छा है, स्किल सेट नहीं है, मैं क्या करूंगा? ही विल बी यूजलेस एसेट। ही हैज टू बी एफिशिएंट आल्सो, ही हैज टू बी विद इंटेग्रिटी आल्सो, वेरी, हाँ, वो स्ट्रांग रहता है, दृढ़ रहता है वो, है ना। ही हैज इंटेग्रिटी एंड वो हिल नहीं पाता। ही डज द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इंटेग्रिटी मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सिंपल सी चीज है, रेड लाइट पर आप खड़े हैं, आप इंतजार करते हैं पुलिस वाला है या नहीं है। अगर पुलिस वाला नहीं है, आप अपनी कार ले जाएंगे, चाहे रात के 9 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे सुबह के 6 बजे। सो इंटेग्रिटी वाला बंदा क्या करेगा, रेड लाइट है, चाहे कोई और कार नहीं है, पुलिस नहीं, ही विल नेवर ब्रेक द लॉ, ही विल डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।